सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका नाम है दुर्घटना से बचो। दुर्घटना से बचने के लिए दुर्घटना से सबको बचना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहेंगे तो ही हम दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि रोड क्रॉस करते समय हमको पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट, मतलब पहले दायां बायां, फिर दायां फिर बायां देख लेंगे। जब कोई गाड़ी नहीं आती है तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर किसी चीज में माचिस की तीली ही जलाना है तो उसको सावधानी से पकड़ के जलाना चाहिए। और खेलते समय भी अगर हम गेंद से खेल रहे हैं तो हमें अपने चेहरे को बचाकर खेलना चाहिए। अगर चोट लगेगी तो हमारा सर फट सकता है। तो हर चीज में सावधानी की आवश्यकता होती है। दुर्घटना से बचने की जरूरत होती है। दुर्घटना से बचे रहेंगे कभी हम सही रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। इसी पर आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि नितिन के पड़ोस के छत पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो अचानक एक छत पे भी तो सावधानी की आवश्यकता होती है ना। तो नितिन के पड़ोस में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और उस पे रेलिंग था नहीं, तो उसी में से एक बच्चा पीछे हटता हुआ क्या हो गया, छत से आंगन में जा गिरा। तो छत से आंगन में जा गिरा तो देखिए उसको क्या हो गया, उसके हाथ पांव सब टूट गए ना। और असावधानी पूर्वक पतंग उड़ा रहा था ये। इसका नाम क्या था? मिंटू था। और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बिना चह दीवारी वाली छत पर से पीछे हटना तो नहीं चाहिए था, इसको आगे पीछे देखकर इधर उधर करना चाहिए था। तो ये दुर्घटना से ग्रसित हो गया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इसमें इसका हाथ पांव ही नहीं, इसके प्राण भी जा सकते थे, लेकिन ये तो बाल बाल बच गया। और ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बिना चह दीवारी वाली छत पे चढ़ना खतरा से खाली नहीं होता है। अगर ध्यान देता तो इसके हाथ पांव आज नहीं टूटे होते और इसके माता पिता भी परेशान नहीं हुए होते। आप लोगों के भी माता पिता काफी परेशान हो जाते होंगे जब आप लोगों को कुछ हो जाता होगा। तो ठीक उसी तरह इसके माता पिता भी काफी परेशान हो गए और इसको तो कष्ट हुआ ही और ये दुर्घटना से ग्रसित हो गया। देखिए इसका सर फूट गया, हाथ टूट गया, पांव टूट गए। इसीलिए सावधानी हर जगह जरूरी होता है। अब ये देखिए, इसका नाम मुन्ना है। ये क्या कर रहा है? दीवाल में कील ठोक रहा है। और इसकी मम्मी बहुत देर से मना कर रही थी, जो बेटा दीवाल में कील मत ठोको। आप लोगों की मम्मी भी मना करती है दीवाल में कील मत ठोको, लेकिन ये दीवाल में कील ठोके जा रहा है। और फिर क्या होता है, कील इसकी हाथ में हथौड़ी से लग जाती है और ये रोने लगता है और इसके हाथ में खून भी बह रहा है, रो भी रहा है। तो ये तो मम्मी का कहना नहीं माना, इसको दीवाल में कील ठोकने की क्या जरूरत थी? तो ये असावधानी किया ना, सावधान नहीं रहा, इसकी मम्मी की बातों को भी नहीं माना, जिसके कारण इसको कष्ट हो गया और ये दुर्घटना का शिकार हो गया। अब यहाँ देखिए, छोटू जो है माचिस की तीली जला जला कर फेंकते जा रहा था और फेंकने के कारण तीली क्या हुई, पर्दे पे जा गिरी और फिर वो कोने में दुबक गया और मम्मी मम्मी करके चिल्लाने लगा। पर्दे में आग लग गई और पर्दे में आग लग जाने के कारण वो काफी डर गया। तो उसकी मम्मी आई और फिर उस पर्दे को हटाई और तब जाके वो आग बुझी, और नहीं तो आज ये बड़ी से बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। इसके शरीर में भी आग लग सकती थी। इसकी माँ ने क्या किया था, इसकी माँ ने बाल्टी से पानी डाला, इस पर आग बुझाया और फिर तब छोटू को समझाया
जो इस तरह माचिस की तीली मत फेंका करो। अब ये देखिए, थोड़ा सा असावधानी के कारण बड़ी से बड़ी दुर्घटना अभी इसके साथ घट जाती, लेकिन ये थोड़ा बच गया। अब यहाँ देखिए, रोहित जो है सभी बच्चों के उकसाने पे गेंद उठाने चला गया, और वहां कुत्ता भी था, कुत्ता भौंक रहा था। अब अभी उकसाने पे चला गया और अगर कुत्ता काट लेता तो क्या होता। इसलिए जरा सी भी असावधानी जो है वो बड़ी से बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए, और अपने से बड़ों की बातों को माननी चाहिए। और हम लोगों को कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम जाने बिना वह काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम बड़ी से बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी सावधानी की आवश्यकता है और दुर्घटना से हमेशा बचे रहिए। अब देखिए, इसमें है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश के पड़ोस की छत पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। किसकी छत पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे? यहाँ है रोहित और नितिन, नितिन की पड़ोस के बच्चे। टू में है मिंटू छत से डैश में जा गिरा। कहाँ जा गिरा? सड़क आंगन, आंगन आंगन में जा गिरा। फिर यहाँ तीसरा है, डैश ने माचिस रसोई घर से उठाई थी। मिंटू छोटू, तो यहाँ होगा छोटू। फिर है चौथा, डैश सीढ़ी पर चढ़कर कील ठोक रहा था। कौन कील ठोक रहा था? सोनू और मुन्ना। कौन कील ठोक रहा था? यहाँ होगा मुन्ना। फिर ख में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। मुन्ना को कील ठोकने से किसने मना किया? मम्मी ने, पापा ने, दीदी ने? तो इसमें होगा मम्मी ने। दूसरा है, मुन्ना किस साधन पर चढ़कर कील ठोक रहा था? स्टूल पर, सीढ़ी पर, मेज पर? तो यहाँ होगा सीढ़ी पर। फिर है तीसरा, पर्दे में लगी आग किसने बुझाई? छोटू ने, मम्मी ने, पापा ने? तो इसमें होगा मम्मी ने। कोठी में गेंद उठाने कौन गया था? छोटू, मिंटू, रोहित? तो यहाँ होगा रोहित। फिर आइए भाषा बोध में देखते हैं। भाषा बोध में है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं का स्वर लिखिए। कौन सा स्वर है, स्वर लिखना है इसमें। यहाँ है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। तो देखिए, माचिस में है आ की मात्रा वाला स्वर और छोटी ई की मात्रा। कोठी में है ओ और बड़ी ई की मात्रा। फिर पड़ोस में है ओ की मात्रा। फिर यहाँ छोटू में है ओ और बड़ी ऊ की मात्रा। फिर यहाँ ये मम्मी में है बड़ी ई की मात्रा। फिर यहाँ रोहित में है ओ और छोटी ई की मात्रा। साड़ी में है आ और बड़ी ई की मात्रा। फिर यहाँ कुत्ता में है छोटी ऊ और आ की मात्रा। इस तरह आप लोग इसको बनाइएगा। फिर ख में है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। क्या है यहाँ? तोता संयुक्त है, इससे बनेगा पत्ता, कुत्ता। अब यहाँ पे है प्य, तो यहाँ बनेगा प्यार और दूसरा प्याज। फिर तीसरा है न्य, यहाँ बनेगा न्याय और न्यारा। फिर अक्ष है, इससे कौन सा शब्द बनेगा? क्षत्रिय और क्षमा। क्षत्रिय और क्षमा बनेगा। फिर गो में है, बर्तनी, सही बर्तनी वाले शब्द पर टिक लगाइए। इसमें क्या है? सावधानी, और ये है सावधानी। तो ये इसमें ये सही है, ये है सीधी और ये है सीधी। तो इसमें टिक लगेगा, ये ऊपर वाले में। फिर यहाँ है अ गुंठा। फिर यहाँ है अंगूठा, तो ये सही होगा अंगूठा। तो इसमें टिक लगेगा।
फिर यहाँ है रोहित और यहाँ है रोहित, तो ये वाला सही होगा। इस तरह करके आप लोग सभी कॉपी में बना लीजिएगा इसको।